हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैनल आपके लिए एक नेचुरल फेस सीरम लेकर आया है। यह एक बहुत ही अच्छा स्किन ब्राइटनर है जो हम ये आज सीरम बनाने जा रहे हैं, और ये हमारे स्किन टोन को भी निखारता है, हमारी स्किन को ग्लो करेगा, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, एक्ने और पिंपल्स वो भी प्रिवेंट करेगा, और एंटी एजिंग है और हमारी स्किन को नरिशमेंट देगा। आइए अब आपको मैं बताती हूँ इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स। इस फेस सीरम में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल है, ये एक बहुत ही अच्छा, या आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल लेंगे, हमने पतंजलि का लिया है। एलोवेरा जेल जो है बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग है, मॉइस्चराइज करता है हमारे स्किन को और रिड्यूस करता है एक्ने को और पिंपल्स को। सेकेंड हम लेंगे रोज वाटर। रोज वाटर हमने जैसे डाबर का लिया है, आप किसी भी कंपनी का रोज वाटर ले सकते हैं। रोज वाटर जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारा पीएच जो बैलेंस करता है, हमारा स्किन का जो पीएच है उसको बैलेंस करता है। 4.5 से लेकर 6.2 तक हमारा पीएच लेवल होना चाहिए, लेकिन आजकल सोप्स और फेशियल क्लींजर्स यूज करने से हमारा ये लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो रोज वाटर है हमारे पीएच लेवल को 5.5 बैलेंस करता है, पफिनेस को हटाता है हमारी फेस की और हमारी स्किन को रिफ्रेशनेस देता है। ये बहुत ही रोज वाटर तो हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है, पर हमारी पुरानी पारंपरिक दवाई उसमें बहुत यूज होता था ये। और थर्ड हम लेंगे अब ग्लिसरीन। ये देखिए, ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन हमारी स्किन सेल्स को फिर से लाइटनेस देगा, ड्राइनेस को खत्म करेगा विदाउट साइड इफेक्ट्स। ये हमारी स्किन को क्लीन करता है, स्किन की एक ग्लिसरीन की ये एक अपनी ये क्वालिटी है। फोर्थ हम यूज करेंगे आलमंड ऑयल, जिसको हम बादाम रोगन बोलते हैं, बादाम का तेल। ये देखिए रोगन बादाम, बहुत इजीली आपको किसी भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कहीं भी मिल जाता है ये आलमंड का ऑयल है, रोगन बादाम शरीन। ये जो है सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने प्रिवेंट करता है, डार्क सर्कल्स और हमारी टैनिंग, जो धूप में आजकल टैनिंग हो जाती है उसको रिमूव करता है, एंटी एजिंग है, फेस के ग्लो को बढ़ाता है। बादाम बहुत ही अच्छा है, एंटी एजिंग है, इससे झुर्रियां खत्म होती हैं। लास्ट में हम लेंगे विटामिन ई, ये है विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये देखिए, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे फेस के स्कार्स को फेड करता है, रिंकल्स को खत्म करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये। हाइपर पिगमेंटेशन, जो हमारी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन सब को मिला के हम एक सीरम बनाएंगे, जिसकी अभी मैं आपको बताने की विधि बताती हूँ। इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रोज वाटर 2 टीस्पून। मैं एक रेशियो आपको बता रही हूँ, 1 2 टीस्पून रोज वाटर डलेगा। अब लेंगे एलोवेरा जेल, 2 टीस्पून एलोवेरा जेल लगेगा। ये देखिए इस तरह से 2 टीस्पून एलोवेरा जेल हो गया, और ये है बादाम आलमंड ऑयल, ये हम लेंगे हाफ स्पून। जिनकी ऑयली स्किन है वो उसको थोड़ा और कम कर देंगे, ग्लिसरीन हाफ, जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा इसको और हाफ कर देंगे। अब डालेंगे हम विटामिन ई के कैप्सूल्स, ये डालेंगे 2। दो कैप्सूल्स लेंगे, इस तरह से आप निकाल लेंगे 1, और ये रहा दूसरा। इसमें आप ये ध्यान देंगे जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको 1 कर देंगे, इस रेशियो में जो मैंने आपको रेशियो दिया है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इसकी पूरी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो भी हम क्रीम यूज करते हैं आजकल केमिकल्स वाली, उसमें 5-10% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन इस सीरम में, इस फेस सीरम में 70% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे। इससे आपकी स्किन, आप देखिए कितनी नरिशमेंट हो जाएगी।
तो इस तरह से आप एक खाली कंटेनर लेंगे, अगर ग्लास का है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप इसको इस तरह से फिल कर देंगे और आराम से इस तरह से। अभी हमारा सीरम बनके रेडी है। ये सीरम ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन, किसी कोई भी इसको यूज कर सकता है। हमारी स्किन को ये मॉइस्चराइज करेगा और स्किन की इलास्टिसिटी को रिस्टोर करेगा। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे और उसके बाद आप इस सीरम को अप्लाई करेंगे। इस तरह सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन में डीप तक चले जाएंगे और अब्सॉर्ब हो जाएंगे। आजकल हम क्या करते हैं, केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक यूज करते हैं जिससे हमारी स्किन अपनी कुदरती खूबसूरती खो रही है। ये सीरम आपके स्किन को फेयर, ब्राइटर और रिफ्रेश करेगा, रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स को भी प्रिवेंट करेगा। और आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।